हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले भाई दूज, हैप्पी भाई दूज ऑल ऑफ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, ये बहुत ही एक फेमस पेनी स्टॉक आप लोग बोल सकते हो। 10 रुपये के नीचे लगभग ट्रेड कर रही है कंपनी, पावर जनरेट करती है और कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। तो कंपनी जो है, मतलब देखो, लास्ट तीन क्वार्टर से कंपनी लॉस दे रही है। तो सितंबर क्वार्टरली का रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी का जो सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट है वो काफ़ी सही निकल के आ सकती है। कंपनी के अगर मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स के बारे में बात करें तो SBI, LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन लोगों की होल्डिंग है कंपनी में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग सुजलॉन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लोगों ने सुने होंगे सुजलॉन के बारे में, बहुत ही एक फेमस पेनी स्टॉक है। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू दिस कंपनी एंड स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, कंपनी क्या करती है। अगर डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 6320 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 13.2 की है, ROC 11% की है। ROE यहाँ पे मेंशन नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी मेंशन नहीं है यहाँ पे। बुक वैल्यू तो नेगेटिव में जा चुकी है। और अगर एक साल के बारे में बात करें तो एक्जैक्टली 225.86% के रिटर्न देके जा रही है कंपनी। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 2 रुपये का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो गाइस, ज़्यादातर जो चीज़ है वो कॉन्स की तरफ ही है। अगर पहले कॉन्स देख लेते हैं, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसके साथ साथ अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखा जाए कंपनी की, तो वो लगभग -19% के आसपास निकल के आ रही है। प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी कम है, और काफ़ी कम प्रोमोटर होल्डिंग में से भी 88.54% जो है वो प्लेज हो रखा है। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 924 करोड़ ऑलमोस्ट। प्रोमोटर होल्डिंग 3 सालों में 3% से भी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। प्रोज के बारे में बात करें, कंपनी डेप रिड्यूस किया है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया था। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव है काफ़ी दिनों से, लेकिन कंपनी की जो डिप्रिसिएशन वैल्यू, स्पेशली जो इंटरेस्ट है, उसके चलते कंपनी लॉस शो करती है और लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी लॉस शो कर रही है। तो हो सकता है सितंबर क्वार्टर भी, जैसे पिछले साल सितंबर में देख सकते हो, सितंबर क्वार्टरली में कंपनी प्रॉफिट शो किया था, हो सकता है इस बार भी अच्छा खासा प्रॉफिट शो कर दे, तो आप लोगों को शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छा खासा रिटर्न मिलने के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर ऐसा कुछ प्रॉफिट निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करें तो देख सकते हो कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल बन चुकी है। पहले लॉस मेकिंग बन चुकी थी, मतलब पहले लॉस मेकिंग थी, उसके बाद 2 साल के लिए प्रॉफिटेबल बन गई थी, उसके बाद फिर से कंपनी लॉस मेकिंग बन चुकी थी एंड फिर से कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी है। मतलब 2 साल के लिए प्रॉफिटेबल, बाकी मैक्सिमम टाइम ही आप लोग बोल सकते हो लॉस मेकिंग थी। तो फिर से 2 साल के लिए प्रॉफिटेबल बन गई है या नहीं, फॉरएवर के लिए सुधर गया है, ये तो बता पाना मुश्किल है, ये तो टाइम के साथ साथ ही हम लोगों को पता चलेगा। बाकी अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट में हम लोगों को सुधरने का, मतलब देख सकते हो कंपनी जो है वो धीरे धीरे सुधर रही है। रिजर्व भी जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ आ रही है, पॉजिटिव की तरफ आ रही है एंड बोरोइंग्स जो है वो भी धीरे धीरे कंपनी कम कर रही है। तो हो सकता है कंपनी सुधर रही है, दावे के साथ नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हो सकता है कंपनी सुधर रही है। बाकी कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 180 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन्ड है कंपनी के पास, यहाँ पर भी हम लोग को रिकवरी होते हुए नज़र आया है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FIIs ने और प्रोमोटर्स ने 3 साल के कंपेरिजन में अगर देखा जाए काफ़ी जो मतलब बड़े मात्रे में वो लोग सेल कर दिया है। बाकी DIIs का अगर देखा जाए तो DIIs ने अच्छा खासा बाइंग किया है, पब्लिक से माल उठाया गया है 3 सालों की एंटायर कोर्स में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहले 65.29% थी, अभी 62.43% हो चुकी है। FIIs ने लास्ट क्वार्टर में, मतलब जून के क्वार्टर से एंड सितंबर क्वार्टर के बीच में FIIs ने बाइंग किया है, बाकी प्रोमोटर्स एंड DIIs दोनों ने ही सेलिंग किया है। तो देख लेते हैं DIIs में किसकी होल्डिंग है। देख सकते हो SBI, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, पंजाब नेशनल बैंक का था लेकिन अभी नहीं है। पब्लिक में देख लेते हैं तो गाइस, पब्लिक में भी बड़े बड़े रिटेलर्स के पैसा लगा हुआ है। अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं तो 51% या तो फिर ऑलमोस्ट 50% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी एग्जैक्ट 50.42% जो है हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में। अभी बात करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो गाइस, अगर लॉन्ग टर्म के बारे में आप लोग पूछ रहे हो तो गाइस, मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, अगर लॉन्ग टर्म मतलब मैं एटलीस्ट 2 से 3 साल के बारे में बात कर रहा हूँ, या तो फिर एटलीस्ट 26 मंथ्स के बारे में तो मैं बात ही कर रहा हूँ, मतलब बड़ा मायने नहीं, एटलीस्ट 26 मंथ, मतलब 2-2.5 साल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो गाइस,
आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि अभी कुछ नहीं कह सकते, पहले भी 2 साल बीच में प्रॉफिटेबल थी, उसके बाद फिर से लॉस मेकिंग बन गई थी, तो वो तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है, लॉन्ग मल्टीबैगर रिटर्न देके जा सकती है, और कंपनी रिकवरी भी शो कर रही है, लेकिन कंपनी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो इतना ज़्यादा खराब है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि पहले भी 2 साल के लिए इतना ज़्यादा रिकवरी शो किया था, फिर से लॉस मेकिंग बन गई थी कंपनी। हाँ, इस बार चांसेस थोड़ी ज़्यादा है कि कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाए, लेकिन मैं बेकार में क्या ही बोल रहा हूँ, मैं गलत चीज़ बोलना नहीं चाहता। आप लोगों ने बाय कर लिया, फिर से कंपनी लॉस मेकिंग बन गई, तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, या तो फिर अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो, देन आप लोग इन्वेस्ट करके रख सकते हो, 1,000-2,000 रुपया लगा के रख दो, अगर मल्टीबैगर बन जाए तो वो आप लोग को अच्छा खासा पैसा बना के दे देगा, या तो फिर 0 बन जाएगा कंपनी, ये आप लोग कर सकते हो। बाकी अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें, शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मतलब अगर आप लोग 12 महीने से पहले प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आती है। तो गाइस, अगर आप लोग वैसे ही कुछ मेंटेलिटी से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो कि मैं 12 महीने से पहले प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, एक नीचे के लेवल पे बाय कर लिया, कोई स्विंग ट्रेडिंग मतलब कोई टेक्निकल्स फॉलो नहीं करके एक नीचे के लेवल पे मैंने बाय कर लिया 12 महीने के लिए, या तो फिर 8-10 महीने के लिए, तो उसे हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलेंगे। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, टेक्निकल्स देख के एंटर करना पड़ता है। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हो तो आप लोगों के लिए अच्छी कंपनी है, अच्छा खासा 200% 100% की रिटर्न आप लोगों को देके चली जाएगी 1 साल में। हाँ, मान रहा हूँ कि इससे अच्छा अच्छा रिटर्न काफ़ी सारे ब्लू चिप्स कंपनियाँ देती हैं, लेकिन क्या पता मल्टीबैगर रिटर्न भी दे के चली जाए, तो आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। अभी बात करते हैं, और अगर सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट बहुत ही सही निकल के आ जाती है, तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आप लोग को एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे के जा सकते हैं ये कंपनी। अभी बात करते हैं परसों कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, मतलब जो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है कंपनी में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है, एंड कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू दिस कंपनी। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की NSE की चार्ट खुली हुई है, निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। बाकी अगर उस दिन के बारे में बात करें, एंटायर डे में 78,23,115 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसका वैल्यू लगभग 555 लाख रुपए के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो 53,687 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 7.1 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो 64.82% माल लोग CNC में घर लेके गए, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो डिलीवरी ट्रेड लिया गया था, तो काफ़ी कम इंटरडे ट्रेड्स लिया गया था कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड्स। अभी बात करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, एंड स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। पहले बात कर लेते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, किस लेवल पे बाई करके देखो। अगर गाइज आप लोगों को 6 रुपये के आसपास मिल जाती है, 6 रुपये के आसपास एक बहुत ही सही लेवल है आप लोगों के लिए फॉर इंटरनिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अगर आप लोगों को 6 रुपये के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया, अगर आप लोगों को 6 रुपये के आसपास या तो फिर उससे नीचे नहीं मिल पाती है, तो गाइज जितना हो सके 6 रुपये के आसपास बाई करने की कोशिश करना, मतलब 6 रुपये के आसपास। अगर 7 रुपये के लेवल पे मिल जाती है, तो 6 रुपये 50 पैसे के लेवल पे मिल जाती है, तो उसी लेवल पे बाय करके आप लोग चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइस देखो, हाल ही में ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो व्हाइट कलर का लाइन ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट में इतना ज़्यादा कुछ दम नहीं है, ये आप लोग वॉल्यूम से पता लगा सकते हो। ये जो येलो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता होगा, ये 20 डे की मूविंग एवरेज है वॉल्यूम की, मतलब ये मूविंग एवरेज या तो फिर आप लोग एवरेज वॉल्यूम बोल सकते हो। अगर एवरेज वॉल्यूम आती स्टॉक में तो ये येलो लाइन टच करती स्टॉक, ठीक है, इसको आप लोग एवरेज वॉल्यूम पकड़ के चल सकते हो। तो एवरेज से भी काफ़ी कम वॉल्यूम स्टॉक जनरेट करिए, काफ़ी कंसोलिडेट करिए 7.1 की जो रेजिस्टेंस एरिया है ऑलमोस्ट यहाँ से, जैसे मतलब रेजिस्टेंस फेस कर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही है, और ये जो व्हाइट कलर की लाइन है ये दोनों रेजिस्टेंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही है। तो वेट फॉर दी ब्रेकआउट, अगर नीचे की तरफ कंपनी स्लिप कर जाती है तब तो आप लोग बाई नहीं करोगे, अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी तभी आप लोग बाई करके चलोगे। तो ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग कर दीजिए तो ये जो कंपनी है वो सक्सेसफुली 7.1 की जो रेजिस्टेंस है वो सक्सेसफुली क्रॉस कर चुकी है विथ ए ग्रीन कैंडल एंड विथ मोर देन एवरेज वॉल्यूम अगर कर देती है क्लोजिंग, या तो फिर कंफर्मेशन के बाद एंटर करना, ये जो कंपनी है वो सक्सेसफुली 7.1 की रेजिस्टेंस क्रॉस कर चुकी है, इसके कंफर्मेशन के बाद बाय करके चलना फॉर दी टारगेट्स ऑफ 7.95, 8.55, 9.40 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे लेवल्स, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, फिफ्थ टारगेट, फिफ्थ टारगेट तक मैंने बता दिया है। अगर बाई चांस 52 वीक हाई तोड़ देती है तो 11 रुपये के आसपास आप लोगों को नया 52 वीक हाई देखने को मिल सकती है। बाकी अगर ऑपरेटर्स का गेम चलता है तो कहाँ पे जाके रुकेगी वो नहीं पता। बाकी यहाँ पे सारे के सारे रेजिस्टेंसेस एरिया मार्क किया हुआ है, 5 रेजिस्टेंस की एरिया मार्क किया हुआ है, ये 3, ये 2, 5। तो गाइस ये हो गया सारे के सारे मतलब एस्पेक्ट्स, कैसे आप लोग किस तरीके से आप लोग ट्रेड ले सकते हो, कहाँ पे आप लोग ट्रेड ले सकते हो, लॉन्ग टर्म में कैसी है
शॉर्ट टर्म में कंपनी कैसी है, बाकी कैसे ट्रेड लेना है वो तो आप लोगों के ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या तो फिर स्विंग ट्रेडर हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।